नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर से पूछो लाइव में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, कहते हैं कि स्वास्थ्य ही जीवन का सार है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आपका जीवन भी बेकार ही माना जाएगा। कई बार हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, हमारे रोग जटिल हो जाते हैं, लंबे समय तक दवाइयां लेने के बाद भी उन रोगों में आराम नहीं आता है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी लापरवाही। हम कारणों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आपकी बीमारियों के कारणों पर ध्यान दें और कैसे प्राकृतिक रूप के माध्यम से आपको लाभ दिया जा सके, यही हमारा प्रयास रहता है। और इस कार्यक्रम में हम अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट MBBS डॉक्टर एस रंजन जी से। तो चलिए सबसे पहले मिलकर सर का स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आपके जीवन में भी स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या है तो आप अभी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, जैसे कि अभी समर का जो है मौसम चल रहा है, मौसम में बदलाव होते हैं तो हमारे शरीर में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। और समर में सर सबसे ज्यादा जो है हीट रहती है, ड्राइनेस रहती है और वही हमारी बॉडी को भी प्रभाव डालती है। तो सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि समर में कौन कौन सी बीमारियां होने का खतरा हमें रहता है। देखिए, समर में तो हीट स्ट्रोक होने की संभावना ज्यादा रहती है, लू लगना जिसे बोलते हैं ना। फिर जो फूड हाइजीन अगर नहीं मेंटेन हो तो इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, फीवर होते हैं, हमारा जो डाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो सकता है अगर हम पानी कम पीते हैं और डिहाइड्रेशन की तकलीफ होती है। तो ये सभी तकलीफें होती हैं जो कि थोड़ी कॉमन है, लेकिन हम सावधानियां रखें तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी सर, दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं जी। हेलो, नमस्ते। आप नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम मोनाली है, मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। पूछिए अपना सवाल मोनाली जी। मास्टर, मैंने मेरा इश्यू ऐसा है कि मुझे मेंस्ट्रुएशन साइकिल 16 मार्च को स्टार्ट हुआ था एंड इट वॉज लास्टेड फॉर 17 डेज। तो 17 डेज तक कंटिन्यू फ्लो रहा तो उसकी वजह से मेरा एच भी कम हो गया। तो इश्यू ऐसा है कि अभी मैंने वो ट्रांसजेनिक के टैबलेट्स लिए, बट स्टिल इट इज गोइंग ऑन। मतलब 10 दिन से स्टॉप हुआ बीच में और फिर से वो फ्लो स्टार्ट हो गया और हेवी हो रहा है। और मैंने सोनोग्राफिक रिपोर्ट कराई तो वो भी नॉर्मल है। डॉक्टर बोले कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी ओके है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, अभी तो नहीं रोके। तो मैं समझ नहीं पा रही कि मैं इसे ध्यान से कैसे ठीक कर सकती हूँ। एक्चुअली मुझे मेडिसिन पे जाना नहीं था, बट मतलब मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था, इसलिए मैंने टैबलेट लिए। तो फिर मुझे गाइड कीजिए, मैं क्या कर सकती हूँ, ध्यान से कैसे ठीक कर सकती हूँ। यहाँ पे मोनाली, ध्यान के अलावा हमें थोड़ा एक्यूप्रेशर पे जाना पड़ेगा। जब हमारे पास समस्या जो है थोड़ी बढ़ी हो तो हमें एनर्जी मेडिसिन नाड़ियों पे काम करने वाली एक्यूप्रेशर विद्या का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो फ्लो को कम करने के लिए एक तरीका है कि एक हमारे पैर के अंगूठे के पास एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, हम रबर पैर के अंगूठे के बेस पे लगाएंगे। मैं अपने हाथ के अंगूठे से बता रहा हूँ, ऐसा पैर के अंगूठे पर समझना है। कोने पर पॉइंट होता है LV1 और ST1, हमें वहां पर रबर लगाना है। रबर को वहां पर लगा के जो रबर का प्रेशर होगा वो उस रुंद पॉइंट को LV1 को ST1 को सेडेट करेगा। तो रबर के तरीके से हम उसको सेडेट करते हैं। अगर हम ब्लैक कलर लगा के भी सेडेट कर सकते हैं, लेकिन रबर का तरीका जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है। और हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो एक तरह से हमारा जो हमारे भीतर का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उससे जुड़ा हुआ हम समझ सकते हैं। तो उसको रेगुलर करने के लिए हम एक्यूप्रेशर पॉइंट LU7 पे काम करते हैं। LU7 हमारे अंगूठे के जड़ पे होता है, कलाई पर। इस LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट का आप चित्र दिखा दें। लंग मेरिडियन पे ये 7वां एक्यूप्रेशर पॉइंट है। LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हमें 2-3 मिनट का मसाज करना है दिन में 3 बार के लिए। अभी आपको स्क्रीन पे LU7 दिखाया जा रहा है। इस LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दिन में 3 बार हमें दबाना है। हम LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए अफर्मेशन कर सकते हैं अपने सेल्फ लव के लिए। मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं अपने शरीर से प्यार करती हूं,
जब हम सेल्फ लव के लिए अपने आप से अफर्मेशन करते हैं तो ये हमारे हेल्थ को बेहतर बनाने में काम आता है। एलयू सेवन एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ साथ हमें पैर में SP4 और SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। जो हेमोग्लोबिन की कमी हुई है, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का चित्र स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको दोनों पैरों में, ज्यादा दाहिने पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है दो दो मिनट के लिए दिन में 5 बार। SP4 के बाद SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हमें मसाज करना है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट और SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर आपको वहां पर दर्द मिलता है तो दिन में 5 बार जरूर दबाएं। अगर दर्द नहीं मिले, अगर बाय चांस ऐसा हो जिसकी संभावना कम है, तो आपको दिन में 2 बार या 3 बार करना है। इस SP4 और SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दिन के समय में हल्दी को पानी में घोल के उसका लेप SP4 SP6 पर लगाएं और ये लगभग 6 घंटे के लिए रखना है। SP4 SP6 को हम हल्दी जब लगाएंगे तो ये स्प्लीन मेरिडियन को, जो नाड़ी जिम्मेदार है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, उसको हल्दी करेगी और इससे आपको हीलिंग मदद मिलेगी। ध्यान में बस आपको ये भावना रखनी है कि मेरा स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो संतुलित हो। स्वाधिष्ठान चक्र नीचे से दूसरे नंबर का चक्र है ना। इंटेंशन भी काफी होता है कितनी बार हमारे चक्रों को संतुलित करने के लिए, और दिन में 2 बार हम अच्छे से ध्यान में बैठे और सेल्फ लव हम अपना बढ़ाएं। अगर हम लुई है कि किताब को पढ़ते हुए हम माइंड बॉडी कनेक्शन को समझें, तो हमारे मन में जो हम अपने आप को जो हम छोटा समझते हैं, हम अपने आप को विक्टिम समझते हैं, हम अपने आप को प्यार नहीं करते हैं, वो एक कारण होता है। अपने आप को स्वीकार करना, अपनी फेमिनिटी को स्वीकार करना, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को नॉर्मल रखने के लिए जरूरी है। तो लुई है को पढ़िएगा, इससे भी माइंड लेवल पे काम करने में मदद मिलेगी और इन सभी का प्रयोग करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। जी, तो मोनाली जी, यहाँ पे सर ने आपको कलर थेरेपी बताई है और साथ ही सर ने आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए हैं, तो आप उन पे कार्य करिए। साथ ही सेल्फ लव आपको प्रयोग करना है, सेल्फ जो अफर्मेशंस होती है वो अफर्मेशंस को अपने प्रयोग में लाना है। बुक भी सर ने यहाँ पे आपको रिकमेंड करी है, यू कैन हील योर लाइफ, लुई वेल्हे की ये बुक है, तो इसको भी आप मंगवा सकते हैं। इसके माध्यम से भी आप समझ पाएंगे कि कैसे आपको खुद से प्यार करना है। तो ये सारी चीजों पे आप काम करें, और जैसे सर ने बताया कि ध्यान में आपको स्वाधिष्ठान चक्र पे कार्य करना है, तो इन सारी चीजों पे आप काम करें कि आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य जो है वो जल्द से जल्द बेहतर होगा। जो भी समस्या आपको अभी इस वक्त आ रही है वो जल्द ही दूर होगी। धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, नाम बताओ अपना। जी मैम, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम लोग यहाँ से पंजाब से बात कर रहे हैं। पूछिए अपना सवाल। मैडम मैं तो मेरे पेट में बहुत दर्द होने लग जाता है, एक मेरे पैर से होने लग जाते हैं। आपका वजन ज्यादा है जरूरत से? वेट आपका ज्यादा? वजन तो नहीं ज्यादा, वैसे पेट का आगे के ऊपर दर्द होने शुरू हो जाता है, तो मेरे पैर भी सोने लग जाते हैं। मेरे को ना बैठा जाता है ना लेटा जाता है, मेरे को ध्यान चेता नहीं, पता नहीं, वेट तो नहीं मेरा ज्यादा है, आगे में दर्द रहता बहुत ज्यादा। दवाई भी खाती हूँ, असर नहीं होता वो दवाई का। दवाइयों से का असर नहीं होता है, अगर हमें ये बात समझ में आ रही है, तो हम दवाइयों को खाना छोड़ें। दवाइयों से स्वास्थ्य नहीं आता है, स्वास्थ्य हम अपने मन पर और अपनी एनर्जी पर जब काम करते हैं तो आता है। ये बात सीखनी बहुत जरूरी है। जब तक हम ये बेसिक कंसेप्ट नहीं सोचेंगे, सीखेंगे कि दवाइयों में स्वास्थ्य नहीं है, तब तक हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। ये बात को गांठ बांध लें, दवा खाने की ज्यादा फिक्र ना करें, अपने आप को आध्यात्मिक तरीके से, मानसिक तरीके से ठीक करने की कोशिश करें। तो ये मानसिक तरीके में यहाँ पे ठीक करने में क्या बात है, ये सोचना कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। जब हमको ये मान लगता है कि मेरी लाइफ ठीक नहीं चल रही है, तब हमारा पेट खराब होता है, पेट में दर्द होता है। तो आपको ये बोलते रहना है जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है और वो अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, इसको बार बार बोलते रहेंगे तो ये मन के तल से चीजें ठीक होने होगा। और आप कह रहे हैं कि ध्यान आप नहीं कर पाते हैं, नहीं ठीक से बैठ पाते हैं, तो आप प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा ध्यान लगे, मैं ध्यान में बैठूं तो मेरा ध्यान सफल हो, मेरा ध्यान अच्छा हो। तो ये प्रार्थना करके बैठने से ध्यान बहुत बार लगने लग जाता है। प्रार्थना करके ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठना जरूरी है 24 घंटे में 2 बार। ध्यान ही सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को इजी वे में हील करने का, स्वस्थ रखने का।
मन पर काम करना, ध्यान की प्रार्थना करना, और इसके साथ तीसरा चीज रहेगा कि आप अपने भोजन में बदलाव करें और मिलेट्स खाना शुरू करें। अगर हम गेहूं और चावल को कम करते हुए या बंद करते हुए अगर हम मिलेट्स पे शिफ्ट कर जाएं, 10 तरह के मिलेट्स होते हैं लेकिन उनमें ये 5 मिलेट्स ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, कोदो, फॉक्सटेल, लिटिल, इनका हिंदी में नाम सानवा होता है, कोदो होता है, ये इनकी अम्ली बनाकर मिट्टी के बर्तन में फर्मेंट करके बनाया जाता है। यूट्यूब पे आपको रेसिपी मिल जाएगी कैसे बनाना है, उसका प्रयोग करना शुरू करें। अगर आप मिलेट्स खाना शुरू कर देंगे तो ये पेट की सभी बीमारियों को बहुत जल्दी ठीक कर देता है। गेहूं और चावल कुछ को लोगों को सूट नहीं करते हैं और फिर अगर तकलीफ होती है तो हमें उसको कम करना चाहिए, बंद कर दे तो ज्यादा अच्छा है। हम इन सभी बातों का ध्यान देंगे तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी तो मैम यहाँ पे आपको सर ने बताया कि आपको अपने मन पे काम करना है, ध्यान आपको करना है और साथ ही खान पान में बदलाव करना है, मिलेट्स का प्रयोग आपको करना है। तो जब आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए या अपनी लाइफ में जब आप इसको शामिल करेंगे तो आपकी समस्या जल्द ही दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अब जो दर्शक बने हुए हैं उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ जी नमस्कार जी, मेरा नाम संतोष है जी। संतोष जी अपने टीवी की वॉल्यूम धीरे कर लीजिए। ठीक है जी, अभी कर ले। कहाँ से बात कर रहे हैं और पूछिए अपना सवाल। जी मैं रोहतक से बात कर रही हूँ आपसे। जी पूछिए अपना सवाल। जी मुझे अस्थमा है मैडम, 8-10 साल से मैं दवाई खाती हूँ, उससे मुझे साइड इफेक्ट होता है, जैसे गर्मी बढ़ जाती है, खुंसिया हो जाती है, मुंह आ जाता है मेरा। तो मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। हेलो। जी जी संतोष जी फोन पे बात कीजिए, टीवी की वॉल्यूम धीरे कर लीजिए। अगर आप शांत माहौल से फोन करेंगे तो हमारी बातों को आप ठीक से समझ पाएंगे। अगर आपका ध्यान आधा अधूरा इधर है तो आप पूरी बातों को अगर नहीं समझ पाए तो फिर आप चुप जाएंगे। देखिए जी जी संतोष जी आपका सवाल था कि आपको अस्थमा है, तो आगे आप बताइए, सवाल पूरा कीजिए। हाँ जी मुझे 8-10 साल से अस्थमा है जी। हाँ। मैं दवाई खा रही हूँ मेडिकल से और उससे मुझे गर्मी हो जाती है, जैसे मुंह आ जाता है, खून से निकल जाती है, और भी कई दिक्कतें हो जाती है लेडीज, तो मुझे आराम नहीं आ रहा जी। मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और मैं ये योगा ध्यान ये वगैरह करना चाहती हूँ मैं भी, तो मुझे आराम मिले। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम पर हम दवाइयों की बात नहीं करते हैं और हमें यह बात समझनी है कि दवाइयों से स्वास्थ्य नहीं आता है। तो दवाओं आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं उसका जिक्र ना करते हुए आप सिर्फ अपनी समस्या अपने शब्दों में बताएं, वो आपको सबसे आसानी से समझने में और आपकी समस्याओं को समझने में और आपकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमारे द्वारा बताने में आपका आसानी होगी। दवाओं के जिक्र करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। अस्थमा जो है, अस्थमा को हम काम अस्थमा को ठीक करने के लिए पहले मैं आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ, एल्यू 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई पर अंगूठे की लाइन में होता है। आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच के रख ले, रिकॉर्डिंग रहेगी, बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। एल्यू 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार मसाज करना है। यहाँ पे अक्सर दर्द मिलता है दबाने पर, दर्द मिले तो आपको दिन में 5 बार दबाना है, जितना ज्यादा दबाएंगे उतना अच्छा है, आगे पीछे या अप एंड डाउन मसाज करना है। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज करने के साथ साथ आपको अपने मन पर काम करना है। देखिए अस्थमा का मानसिक कारण होता है जो कि हम लुई है की किताबों में पढ़ सकते हैं, हमारे भीतर का डर, इतना डरना कि हम अपने भौतिक माहौल में जो भी हमारे आसपास की परिस्थितियां हैं उसमें हम कंफर्टेबल नहीं है, हम सांस नहीं ले पा रहे, तो अपने डर पे काम करना है, खुलकर जीना, कॉन्फिडेंस से जीना, करेज से जीना, हिम्मत से जीना, और जो भी हम कहना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं उसको करना। अपने डर पे काम कीजिए, मैं निडर हूं, मैं हिम्मतवर हूं, मैं जो चाहूं जो ठानूं वो मैं कर सकती हूं, इस तरह की अफर्मेशंस आपको बोलने हैं। अफर्मेशन यानी कि प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस। जब हम अफर्मेशन बोलते हैं तो हमारा माइंड पॉजिटिव होता है, माइंड हेल्दी होता है, और जब हमारा माइंड हेल्दी हो जाए तो हमारी बॉडी भी हेल्दी हो जाती है, हमारे माइंड और हमारी बॉडी जुड़ी हुई है। तो LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए
आपको अफर्मेशन करना है कि मैं निडर हूँ, मैं हिम्मतवर हूँ, मैं जो भी चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ, दिव्य शक्तियां दिव्य चेतना मेरे साथ है। ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हम कॉस्मिक एनर्जी डिवाइन एनर्जी से जुड़ जाते हैं, तो इस डिवाइन एनर्जी को फील करना है, इसके लिए बोलना है भगवान की एनर्जी मेरे साथ है। तो जब दिव्य ऊर्जा हमारे साथ है, इसका एहसास हमें रहता है, तो भी डर हमारा खत्म हो जाता है। डर खत्म हो जाए तो आपका अस्थमा खत्म हो जाएगा। अर्ली फाइव एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करने से अस्थमा के सिम्टम पहले कम होंगे, और अगर आपने डर खत्म कर लिया, डर को जीत लिया, तो अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो सकता है। ऐसे बहुत सारे ध्यानी हैं जिन्होंने अपना अस्थमा ठीक किया है, उनकी दवाइयां बंद हो गई हैं, लेकिन धीरे धीरे कीजिएगा, दवाइयां अचानक से बंद नहीं करनी है, तकलीफ हो सकती है। अर्ली एक्यूप्रेशर पॉइंट, ध्यान और अपने मन के डर, इस पर काम करेंगे तो आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। जी तो संतोष जी, आपको अपने डर पे काम करना है, जो भी आपके मन में डर है सबसे पहले तो आपको उसे दूर करना है, साथ ही ध्यान को अपने जीवन में लाना है। जितना आप ध्यान करेंगे डर अपने आप ही कम होने लगेगा, और जैसे सर ने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको बताए हैं उन्हें आप फॉलो करें। लुईस एले की बुक सर ने यहाँ पे आपको रिकमेंड करी है, यू कैन हील योर लाइफ, उस बुक को मंगवाएं, पॉजिटिव अफर्मेशंस का प्रयोग करें, आप देखेंगे कि आपकी ये समस्या जल्द दूर होगी। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि जब भी आप अपने कॉल करते हैं तो नेटवर्क एरिया में रहकर कॉल करें, शांत होकर कॉल करें, पीछे से टीवी की आवाज आप धीरे करिया कीजिए ताकि हम आपके सवाल को सुन पाए और आपके सवाल का उत्तर हम आपको दे पाए। और साथ ही यदि आप अपने सवाल को नोट कर लेंगे तो आप उसे पढ़कर भी हमसे पूछ सकते हैं, ताकि उसे आप डायरेक्टली सीधे सीधे पूछ सकें और आपको उत्तर भी स्पष्ट रूप से मिल सके। सर दर्शक बने हुए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, नाम बताए अपना। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। कहाँ से बात कर रहे हैं जी? यहाँ मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ जी। पूछिए अपना सवाल। मुझे बहुत ज्यादा छींकें आती है और नाक दर्द है और एसिडिटी की प्रॉब्लम है जी। ठीक है, तो मनिंदर जी आप चाय पीते हैं? नहीं जी, नहीं, चाय नहीं जी पीता। ठीक है, बहुत बार एसिडिटी कारण हमारी चाय की आदत भी होती है। एसिडिटी को कम करने के लिए अगर हम मिलेट्स खाना शुरू कर सकें तो ये हमें काफ़ी हेल्प करेगा। मिलेट्स खाने से एसिडिटी जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। मिलेट्स के अलावा हम अपने आप को रिलैक्स रखने पर ध्यान दें। रिलैक्स रहना, जितना हम रिलैक्स रहेंगे, एसिडिटी का जो साइकोसोमेटिक कारण है, मानसिक कारण है, वो जल्दबाजी है, वो हड़बड़ी है। जितने हम हड़बड़ी में जीते हैं उतनी ज़्यादा हमें एसिडिटी होती है। तो हमें अपने आप को रिलैक्स करना सीखना है, और रिलैक्स करने के लिए योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। यूट्यूब पे आपको योग निद्रा मिल जाएगा। योग निद्रा का अभ्यास दिन में हम कभी भी कर सकते हैं। उसमें अपने शरीर के मसल्स को रिलैक्स करने की प्रक्रिया होती है, और शरीर के मसल्स को रिलैक्स करते हुए हमारा मन भी रिलैक्स होता है। तो रिलैक्सेशन की क्रिया से हमें एसिडिटी में फायदा मिलता है। और जो छींकें आती हैं उसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें काम करना है, LU7 से लेकर LU9, 7, 8, 9 तीन एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ पर होते हैं, उनको हमें आगे पीछे मसाज करना है, अप एंड डाउन। आपको स्क्रीन पर एक्यूप्रेशर दिखाए जा रहे हैं, LU7, LU8, LU9, आप इनका चित्र खींच के रख लें या रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को जो कलाई पे है आगे और पीछे मसाज करना है, दोनों हाथों में करना है, 2-3 मिनट का समय देते हुए दिन में 3-5 बार करें। तो इससे हमारे जो नेजल ट्रैक है वो खुल जाते हैं और छींकों की समस्या नहीं होती है। अगर आपको कोई योगा ट्रेनर मिले, योगा टीचर मिले, तो आप जल नीति भी सीख सकते हैं। जल नीति अगर हम करने लग जाएं तो इससे भी हमारा नेजल पैसेज पूरा खुल जाता है और फिर छींकों की समस्याएं हमारे जीवन में नहीं रहती। जी तो यहाँ पे आपको सर ने बताया कि कैसे आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे काम करना है। साथ ही सर ने यहाँ पे योग भी आपको रिकमेंड किया है कि आप योग के माध्यम से भी अपनी जो समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि PFC हिंदी पर बहुत से कार्यक्रम आते हैं जिनमें से एक है योग है जीवन। इस कार्यक्रम में बहुत सारे योगाचार्य आते हैं जो आपको सिखाते हैं कि योग कैसे करना है, योग हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। योग के माध्यम से हम अपनी शारीरिक और मानसिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को जरूर देखें और अपना ढेर सारा प्यार भी दें। जी तो सर, जैसे समर की बात चल रही थी कि मौसम जो है बदल रहा है, तो हीट का हमारी स्किन पर कैसे प्रभाव पड़ता है? डिहाइड्रेशन होने से हमारी स्किन जो है रूखी सूखी हो जाती है। स्किन कॉस्मेटिक इफेक्ट को देखने के से ज्यादा हम ये देखें इसका ओवरऑल हमारे बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम बच कैसे सकते हैं।
बचने के लिए हमें जल पानी जो है वो अधिक मात्रा में लेना चाहिए, और जिन चीजों में पानी होती है जैसे फल में, सलाद में, खीरा में, ककड़ी में, टमाटर में, उनका सेवन अधिक करना चाहिए। जूस अधिक पीना चाहिए, घर से जब हम बाहर निकले तो पानी पी के ही निकलना चाहिए। प्यास लगने का वेट नहीं करना चाहिए, हमें पहले से थोड़ा एक्टिव रूप से पानी पीना चाहिए। और जो हम पानी भी पीते हैं, फ्रिज का चलन ज्यादा हो गया है, लोग ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, आइडियली हमें मटके का पानी पीना चाहिए। जो मटके का पानी भी शीतल होता है लेकिन वो नेचुरली कूल होता है और वो हमारी बॉडी के लिए सुटेबल होता है, अच्छा होता है। साथ ही साथ मटके में का पानी जो है उसमें हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे मिनरल्स मिट्टी के स्पर्श की वजह से मिल जाते हैं, तो फ्रिज के पानी से ज्यादा अच्छा मटके का पानी है। और ठंडा पानी हमें बिल्कुल कभी नहीं पीना चाहिए, अगर कोई पीते हुए तो मिक्स करके ले सकें, और आइडियल है अगर हम कर सकें तो जो नेचुरल टेम्परेचर का पानी मिले वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन चलिए मिक्स करके पानी ले सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, फिर सर्दी गर्म होता है और फिर वो प्रॉब्लम बहुत बार होती है। और जो हम पानी को पीते हैं, पानी को हमें चार्ज करके पीना चाहिए। ये चार्ज करने की प्रक्रिया का मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बता दे दूं कि जब भी हम पानी पीने वाले होते हैं तो पानी को पहले आधे मिनट के लिए, एक मिनट के लिए अपने हाथ में हम रखें, आंख बंद करके उस पानी को धन्यवाद दें, थैंक यू वाटर, तुम मुझे प्यास बुझाने वाले हो, इसलिए हम उस पानी को धन्यवाद दें। धन्यवाद देने के बाद फिर हम इस पानी भाव करें कि ये पानी जो है, ये जो जल है, ये दिव्य जल है, जैसे हम गंगा जल को दिव्य मानते हैं, है ना, यह पानी दिव्य पानी है और यह पानी मेरे भीतर की जो भी जरूरत है, हाइड्रेशन की जरूरत है, इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये सभी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत है यह पानी उन सभी जरूरतों को पूरा कर देगा और यह पानी मुझे पोषण देगा। यह भाव करते हुए एक मिनट या आधा मिनट हम ऐसा भाव करें, उसके बाद अगर हम पानी पिए तो यह पानी हमारे इंटेंशन से, हमारे प्रेयर से ज्यादा चार्ज हो जाता है, ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और ये सिर्फ यह सब बातें जो है ना, ये रिसर्च बेस्ड है। मसारो इमोटो नाम के साइंटिस्ट ने अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल को अलग अलग इमोशन जब दिया तो उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज आ गए। इस पर वाटर नाम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी हुई है। तो हम इस बात को समझें कि वाटर जो है हमारे इमोशन को, हमारे प्रेयर को कैरी करता है, वो स्टोर करता है इमोशंस को। तो हम चार्ज करके पानी को पिया करें तो ये हम पानी को ज्यादा हमें वो पोषण देगा, ज्यादा हमें नरिशमेंट देगा। जी सर, दर्शक बने हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी बोलो। नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम ललिता है, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। ललिता जी पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि एक साल पहले मेरे हस्बैंड के वो हर्पीस हुए थे। ललिता नाम। ललिता जी टीवी को देख के जवाब मत दीजिए, फोन पे ही बात कीजिए। ठीक है जी, पूछिए सवाल। मेरा सवाल है, एक साल पहले मेरे पति के हर्पीस हुए थे, हर्पीस एक साइड और कमर पे और बगल के नीचे जी। तो फिर वो तो ठीक हो गई, पर उसका दर्द ठीक नहीं हो रहा, दर्द बहुत ज्यादा होता है, आती है जी। दर्द की गोली लेंगे, थोड़ी देर अगर रहेगा फिर वैसा ही हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको तीन चीजें बताता हूँ। पहली चीज ये है कि आपको अपने भोजन में चेंज करना है और आपको मिलेट्स शुरू करना है, गेहूं और चावल बंद करना है। गेहूं और चावल को निगेटिव सीरियल कहा गया है। आप 5 मिनट्स पॉजिटिव सीरियल्स पे आएंगे तो ये आपको भीतर से ठीक करेगा। ये आपको मिलेट्स के फोटो आपको दिखाए जा रहे हैं, ये मिलेट्स जो है वो आपको अमेजन पे इजिली मिल जाते हैं। इन मिलेट्स का सेवन आपको अम्ली के रूप में फर्मेंट करके लेना है, और 0 टाइम अगर ले सकें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो 2 टाइम या 1 टाइम लेना शुरू करें। मिलेट्स खाने से हमारी बॉडी के भीतर का स्ट्रक्चर, माइक्रोबायोम चेंज होने जाता है, तो ये जो है हर्पीस के दर्द को खत्म कर देगा। इसके अलावा हमें ध्यान में नियमित रूप से बैठना है, दिन में 2 बार ध्यान में बैठना है। ध्यान में बैठते हैं और जब हमारे भीतर कॉस्मिक एनर्जी आती है तो ये कॉस्मिक एनर्जी सभी बीमारियों को ठीक करती है। स्पिरिचुअल रियलिटी नाम का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, देखा है तो आपको पता होगा, नहीं तो आप देखिएगा, यूट्यूब पे डालिएगा स्पिरिचुअल रियलिटी पीएमसी हिंदी, वो वीडियो को आप देखकर समझ जाएंगे कि मेडिटेशन में हमारे अंदर एनर्जी उतरती है। मेडिटेशन रेगुलर आपको बैठना है, करना है। और इसके अलावा तीसरा चीज है एक्यूप्रेशर पॉइंट LU6।
LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई और हमारे रिस्ट इन दोनों के बीच में होता है, एल्बो और रिस्ट के बीच में LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। यहाँ पे दर्द नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपको दो दो मिनट में दिन में तीन बार मसाज करना है। कलर के कलर भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ब्राउन कलर यहाँ पे लगेगा। LU6 पर हम कलर लगाना कल सब करना चाहें, नहीं तो हम सिर्फ दवाएं दोनों हाथ में मसाज करें। LU6 को मसाज करने से और तलवे में तलवे का जो तलवे को हम तीन पार्ट में बांटें और जो ऊपर का हिस्सा होगा 1/3 हम उसका दोनों पैर में मसाज करें तो उससे जो है हमारे दर्द में आसानी मिलेगी। जो स्किन का जो एरिया है, जो लंग का एरिया है, स्किन लंग से जुड़ा होता है, तो लंग का कॉरेस्पॉन्डेंस तलवे में ऊपरी के 1/3 में हिस्से में आता है, उसका मसाज करेंगे तो लंग हेल्दी होगा, स्किन हेल्दी होगी और दर्द जो है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो इन सभी का कॉम्बाइन यूज करना है। हर्पिस बीमारी जो है उसमें समय हील होने में थोड़ा समय लगता है, तो धैर्य पूर्वक सभी का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। जी, तो मैम आपके हस्बैंड को जो ये बीमारी है, जो ये प्रॉब्लम है, जैसे सर ने बताया कि इसे हील होने में समय लगेगा, तो जो जो सर ने यहाँ पे आपको पॉइंट्स बताए हैं, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए हैं और साथ ही जो भी चीजें आपने आज यहाँ सुनी है, तो उन्हें आप जरूर फॉलो करें, अपने हस्बैंड को जरूर फॉलो करवाएं, आप देखेंगे कि आपकी ये समस्या जल्द ही दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं। निर्भय है, मेरी उम्र 80 वर्ष है, मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और मैं हेलो हाँ, बोलते रहिए। मेरा नाम निर्भय है, मेरी 80 वर्ष की आयु है और मैं मोड़ा से बोल रहा हूँ, मुझे कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, रोज बिल्कुल एक खाता हूँ जी। निर्मल जी, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए हम क्या खाते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे जी हमारे मन में भाव कैसा है। हमारा हेल्थ माइंड से ज्यादा प्रभावित होता है, खाना सेकेंडरी चीज है। माइंड से प्रभावित होने का मतलब मैं आपको कहूंगा कि यू कैन हील योर लाइफ पुस्तक में ये सारे कंसेप्ट आए हैं। जब हमारे भीतर अटैचमेंट ज्यादा हो, हम लटको नहीं करें, कोई चीजों को छोड़े नहीं, तो ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनती है। आपके जीवन में, आपके घर में ऐसी चीजें जो आप पिछले 2 साल से यूज नहीं कर रहे हैं, पिछले 1 साल से यूज नहीं कर रहे हैं, उनको थोड़ा आप लटको करें, छोड़ना सीखें। जब हम चीजों को पकड़ के रखते हैं मन से, तो ये हमारे बॉडी लेवल पे भी रिफ्लेक्ट होता है, चीजों को छोड़ना सीखना है। इसके अलावा थोड़ा सा एक्यूप्रेशर पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पाम हथेली पर बाहर की तरफ इंडेक्स फिंगर, अंगूठे के बगल वाली उंगली के नीचे यहाँ पर LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। सुबह के समय आप गर्म पानी पीकर अपने हाथ से इस LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाया करें। ये सुबह के समय ही करना है जिस समय हम गर्म पानी पीते हैं और थोड़ा टहलते हुए इस LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने से आपकी जो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम हो सकती है। एक्यूप्रेशर पॉइंट से ज्यादा माइंड पे काम करना, इस बात को याद रखिएगा, चीजों को छोड़ना। तो जब हम माइंड से छोड़ेंगे, लेटगो करना सीखेंगे और LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करेंगे, तो ये दोनों जो है वो आपको हेल्प करेगा। जी, तो निर्मल जी, यहाँ पे सर ने आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया, लेकिन साथ ही सर ने आपको ये भी बताया कि आपको अपने माइंड पे काम करना है। सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो हमें हमारे विचारों पे, अपने माइंड पे काम करने की ही जरूरत होती है। उसके लिए आपको सर ने एक बुक भी रिकमेंड करी है, यू कैन हील योर लाइफ, ये भी आप मंगवा सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो जल्द ही दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर, कॉन्स्टिपेशन की समस्या जैसे इन्होंने बताई, तो ये आज के समय में, इनकी उम्र तो ज्यादा थी लेकिन आज के समय में ये जो नॉर्मल जो कॉर्पोरेट लाइफ के लोग हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनका शेड्यूल जो है वो ऊपर नीचे रहता है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, कॉर्पोरेट में काम करने वाले क्या 100% लोगों को कॉन्स्टिपेशन समस्या? सर 100% नहीं, सर ज्यादातर पर रहती है। तो यहाँ पर कारण जो है कॉर्पोरेट नहीं है, कारण है अपने हेल्थ के लिए लापरवाह होना जी। अपने लाइफ स्टाइल के लिए सजग नहीं होना, हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, हम जब भूख लग रही है तो जो भी सामने आ रहा है वो खा रहे हैं। खाते समय इस बात के सजग होना कि इसका मेरे हेल्थ पे, मेरे पेट पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो हम ध्यान नहीं रखते।
हम फास्ट फूड प्रोसेस्ड फूड ज्यादा ले रहे हैं तो उसमें तो फाइबर्स नहीं होते हैं। हमारे भोजन में फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो ये तो ज्यादा लोगों ने सुना है, लेकिन एक कंपोनेंट होता है फाइबर। वो फाइबर जितना होगा हमें उतना हमारा पेट अच्छा रहेगा। वो फाइबर फास्ट फूड में, प्रोसेस्ड फूड में, पिज्जा में, बर्गर में, सैंडविच में, ब्रेड में बिल्कुल नहीं होता है, बिस्किट में नहीं होता है। तो हम उनका सेवन या तो बिल्कुल ना करें या बहुत मिनिमल करें। अगर हम उनका सेवन बिल्कुल ना करें तो वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर उस तरह का परहेज अगर नहीं कर सकते हैं तो हम उनका पोर्शन हम कम रखें और सलाद खाने में, हरी सब्जियां खाने में ज्यादा फोकस करें। अगर हम पर्याप्त मात्रा में सलाद खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं और फाइबर जो सलाद में, सब्जी में है, सलाद में और सब्जी के अलावा मिलेट्स में है, अगर फाइबर हमारे बॉडी में सफिशियंट मात्रा में जा रहा है तो चाहे कॉर्पोरेट लाइफ हो चाहे कोई भी बिजी लाइफ हो, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता। जी सर, एक जो मैंने कॉर्पोरेट लाइफ यूज किया वो मैंने इसलिए यूज किया था कि जैसे जब इनकी रोटेशनल शिफ्ट होती है तो उस वजह से हमारी बॉडी ही समझ नहीं पाती है कि कब हमें अपनी नित्य क्रिया करनी है। हाँ देखिए, आइडियली तो वहाँ थोड़ा सी हमारा जो हमारे बॉडी का जो बैलेंसर क्लॉक है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन हमारी बॉडी की एक नेचुरल कैपेसिटी भी काफी होती है। अगर हम थोड़ा सा भी उसको प्यार दें, थोड़ा सा भी उसका राइट केयर करें तो बॉडी एडजस्ट कर जाती है, बॉडी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, लेकिन कुछ लोगों का अगर नहीं सेट कर पाए तो उनको फिर नॉर्मल रूटीन, मतलब जैसे नाइट ड्यूटी जिसमें ना हो या जिस काम में तनाव नहीं हो, हम पैकेज को देखकर काम क्यों कर सकते हैं, किसमें सैलरी ज्यादा होती है हम उसमें काम करते हैं। सिर्फ वही क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, जिस काम में हमें तनाव कम होता है हमें उस काम को करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, अगर हम सही ढंग से पैसे को सेव करना जानते हो तो हम सेविंग करके भी, इन्वेस्टमेंट करके भी अपना एक वेल्थ बना सकते हैं। देखा मनी कंसेप्ट हो जाएगा, जिसके लिए साइकोलॉजी ऑफ मनी पर मेरा एक स्वाध्याय है, आप उसको देख सकते हैं पीएमसी हिंदी पर, साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो सिर्फ जो हम कमा रहे हैं सिर्फ वही महत्वपूर्ण नहीं है, हम क्या सेव कर रहे हैं और क्या जो हमारे जो इंट्रिंसिक वेल्थ है लाइफ में उसको समझना। तो सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ सैलरी के लिए हम काम ना चुने करें, जिसमें तनाव कम हो हम उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर तनाव रखते हुए अगर हम पैसे कमा भी लेते हैं तो बाद में अगर बीमारियां आ गई तो इलाज कराते कराते सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, है ना। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे ही लोग हैं, पहले अपने आप को बीमार करके पैसे कमाते हैं और फिर बीमारी को ठीक करने के लिए पैसे खर्च करते हैं। तो हम पहले से समझदार क्यों ना हो जाए कि हम वो काम करें जिसमें चाहे पैसे दो कम हो लेकिन टेंशन ना हो, और फिर अगर टेंशन नहीं है तो फिर हम अपना हेल्थ अच्छा रखेंगे, अन्य सारे खर्चे हमारे हॉस्पिटल के खर्चे से हम बच सकते हैं। तो लाइफ स्टाइल पर हमें ध्यान देना है और अपने माइंड के पीस ऑफ माइंड पर ध्यान देना है, जिसके लिए हमें मेडिटेशन भी करना चाहिए। जी सर, दर्शक भी बने हुए हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं। नमस्ते, मैं सुनीता दिल्ली से। पूछिए सुनीता जी अपना सवाल। हाँ जी, मेरे ना पैरों पर रेड कलर के पैचेस है, मतलब हर साल इसी मौसम में हो जाते हैं और इसके अंदर बहुत ज्यादा खुजली होती है, और ये अपने आप ही, मैं नारियल तेल लगाती हूँ इसके ऊपर और अपने आप धीरे धीरे ब्लैक होके ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो निशान छोड़ते हैं और बाद में निशान भी धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है, हर साल ही हो जाते हैं ये। तो मैं पूछना, मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, 2.5 साल हो गए मुझे, तो मैं पूछना चाह रही थी ये किस वजह से होते हैं और किस इमोशन की वजह से होते हैं। जी, बहुत बढ़िया सवाल, इमोशंस आपने पूछा है, दैट्स गुड। देखिए, जो ईचिंग है, ईचिंग इरिटेशन को दर्शाता है और फिजियोलॉजिकली ये इन्फ्लामेशन को दर्शाता है। हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन है, कहीं पर इंटरनली सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे सूजन हो रही है और मानसिक रूप से हम कहीं पर इरिटेट हो रहे हैं। तो अपने इरिटेशन को कम करना सीखना है, अपने जीवन में हमें स्वीकार भाव बढ़ाना है और रिलैक्स करना सीखना है। जो कोई व्यक्ति या परिस्थितियां हमें परेशान करती हैं वहां पर हम लेट गो करना सीखें, ठीक है परमात्मा की मर्जी, भगवान की मर्जी, और हम रिलैक्स रहें। हम डीप ब्रीदिंग का मेथड अपना सकते हैं। डीप ब्रीदिंग के मेथड में हम गहरी सांस नाक से लेते हैं और मुंह से सांस धीरे धीरे छोड़ते हैं। नाक से इनहेल करना है और मुंह से एक्सहेल करना है। ये अल्फा ब्रीदिंग, गैरस ब्रीदिंग कहलाता है।
तो अगर हम इस तरीके से सांस लेना और छोड़ने की क्रिया करते हैं तो ये हमें रिलैक्स करता है। जब भी हम किसी बात से इरिटेट हो, परेशान हो, गुस्सा आ रहा हो, हम ये ब्रीदिंग करें। हम सिर्फ 5 बार भी अगर इसे करेंगे तो पाएंगे कि हमारा मन थोड़ा शांत हो जाता है। तो आपको दिन में 5 से 7 बार इस ब्रीदिंग को करना है, ये आपकी इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा थोड़ा प्रकृति के साथ साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें। जो प्रकृति में हम घास पर चल सकें तो बेस्ट है, नहीं तो पेड़ पौधों के पास बैठें। और हिबिस्कस का फूल, जो पैरों की समस्या होती है, जो रूट चक्र की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हिबिस्कस का फूल, गुड़हल का फूल काफी अच्छा माना जाता है। तो हम गुड़हल के फूल को देखते हुए बैठें। फूलों को देखने से भी हमारी हीलिंग होती है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। फूलों को सिर्फ देखते हुए हम बैठें उससे भी हीलिंग होती है। और हो सके तो हम उसके पास थोड़ा ध्यान कर लें। ध्यान करते हुए हम ये भाव रख सकते हैं कि फूलों की ऊर्जा मुझे मिल रही है और मेरा जो पैर की एनर्जी है, मेरे मूलाधार चक्र की जो एनर्जी है वो संतुलित हो रही है। इस भाव के साथ ध्यान करेंगे तो फूल जो है हमें हील करते हैं। हिबिस्कस फूलों के साथ ध्यान करने से आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। जी, तो सुनीता जी, यहाँ पे सर ने आपको फ्लावर मेडिटेशन बताया है, हिबिस्कस फूल आपको यूज करने के लिए बताया है, और साथ ही जो भी चीजें सर ने आपको यहाँ पे आज बताई है उन चीजों को आप फॉलो करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज सर ने आपको बताई उसे आप करें, आपकी ये समस्या जल्द ही दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं अरुणा बोल रही हूँ जी, चंडीगढ़ से। नमस्कार मैम। अरुणा जी, पूछिए अपना सवाल। तो मेरे को दोनों हाथों में थंब ट्रिगर हो रखा है, 1 महीना हो गया। मैं उसके लिए मसाज भी कर रही हूँ। थंब ट्रिगर में आपको तकलीफ एग्जैक्टली क्या होती है? मेरे को पेन होती है और थंब मुड़ जाता है, तो फिर उसको हाथ से सीधा करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए मैं इसके लिए जो थंब का यहाँ पर है, ये यहाँ पे एक्टिव प्रेशर पॉइंट है, LI5। हमारा ये जब अंगूठे को हम यहाँ पे देखते हैं तो कलाई पे ऐसा गड्ढा सा बनता है। इस LI5 एक्टिव प्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है, टोन करना है। इसे अप एंड डाउन दोनों हाथों में आप करना है। मैं एक हाथ में दर्शा रहा हूँ, पहले एक हाथ में 2 मिनट के लिए कर ले, फिर दूसरे हाथ में आप किया करें। जब LI5 एक्टिव प्रेशर पॉइंट को आप टोन करेंगे तो इससे आपका जो यहाँ पर जो मूवमेंट है एनर्जी का वो अच्छा होगा। एनर्जी का मूवमेंट होने से ये चीजें अच्छी होंगी। LI5 एक्टिव प्रेशर पॉइंट के अलावा LI4 से थोड़ा सा पीछे LI5 एक्टिव प्रेशर पॉइंट है। हम LI5 के अलावा LI4 को भी हम कर सकते हैं, और LI4 एक्टिव प्रेशर पॉइंट पे हम लाल रंग भी लगा सकते हैं। LI4 LI5 पे काम करने के अलावा हम LU10 एक्टिव प्रेशर पॉइंट, LU10 एक्टिव प्रेशर पॉइंट हमारे अंगूठे पे होता है। अंगूठे की जो हड्डी है, जो हमारे थिनार जो बेस बनता है अंगूठे का, उस पे हमें यहाँ पर बीच में ये जो अंगूठा का ये जो ये जड़ है, ये जो हड्डी है, इसका जो एग्जैक्ट बीच आता है उस जगह पे हमें मसाज करना है। ये LU10 नाम का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इस LU10 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप खुद से मसाज करें या किसी दूसरों से करवाएं, और यहाँ पर आप लाल रंग लगाएं। लाल रंग को आप LU10 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे लगाएंगे तो ये जो है ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, एनर्जी फ्लो को बढ़ाता है। और जब ब्लड फ्लो अच्छा हो, एनर्जी फ्लो अच्छा हो, तो फिर ये ट्रिगर फिंगर की तकलीफ नहीं होती है। तो LU10 एक्सो प्रेशर पॉइंट पे काम करना है, LI5 पे एक्सो प्रेशर पॉइंट करना है, और थोड़ा सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान करना है। सूर्य प्रकाश हमारे हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। 15 मिनट के लिए हमें सूर्य प्रकाश में बैठना चाहिए। अच्छा लगे तो ज्यादा देर भी बैठ सकते हैं। सुबह के सूर्योदय के 1 घंटे या 2 घंटे के भीतर के सूरज में 15 मिनट सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान किया करें, इससे भी आपको हेल्प मिलेगा। जी, तो अरुणा जी, यहाँ पे सर ने आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए हैं, उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे आपको काम करना है, और साथ ही सूर्य प्रकाश में आपको ध्यान करना है। ये दोनों चीजें आप करें, आपकी तकलीफ जल्द ही दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार, नाम बताएं। मेरा नाम राम निवास मेहरा जी, मैं फरीदाबाद हरियाणा से बोल रहा हूँ। पूछिए अपना सवाल। जी, डॉक्टर साहब से बात हो रही है, बोलिए। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए सर। चीज को जो है ना, गले में खांसी रहती है सर, 15 साल से है जी। जी, और सर उसमें जो है ना, उसको लगभग लंग का ऑपरेशन हुआ सर, नाक का भी ऑपरेशन हुआ दोबारा, फिर सर उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही सर, धीरे धीरे खांसी आती है, फिर उसको काफी कफ जाग वाला कफ आता है, उल्टी हो जाती है सर उसी टाइम की। ठीक है, ठीक है।
आप ध्यान में बैठते हैं, उम्मीद करता हूँ आप हमारा चैनल देख रहे होंगे तो ध्यान में बैठते होंगे। दिन में 24 घंटे में दो बार आपको ध्यान में बैठना है, रेगुलर डिसिप्लिन के साथ, नियम के साथ दिन में दो बार ध्यान में हम बैठा करें। ध्यान में बैठने से हमारे सभी बीमारियों की हीलिंग होती है। ध्यान में बैठने के साथ साथ आपको LU5 और LU7 दो एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कोहनी पर होता है, अंगूठी की लाइन में। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको अच्छे से दिखाया जा रहा है और इसी चित्र में LU7 भी है। दोनों हाथ में आपको LU5 और LU7 इन दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। दो दो मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार मसाज करेंगे। आपको यहाँ पर दर्द मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, दर्द मिले या ना मिले दबाने पर आपको यहाँ पर इस दोनों ही हाथ में दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट यानी कि 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हो गए, इसको मसाज करना है। नियमित रूप से ध्यान में बैठेंगे और LU5 और LU7 का मसाज करेंगे तो आपकी समस्या जो है वो ठीक हो जाएगी। जी तो राम जी, यहाँ पे सर ने आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया है, उन एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको काम करना है। आपकी विशेष को आप बता रहे थे ये तकलीफ है, तो आप उन्हें बोलिए कि वो इन एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करे। आपकी जो मिसेस की तकलीफ है हम आशा करते हैं जल्द ही दूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम शिवांगी है। शिवांगी जी कहाँ से बात कर रहे हैं? जमशेदपुर से बात कर रहे हैं। सवाल पूछिए अपना। मेरे को एक थायराइड का प्रॉब्लम है और स्किन प्रॉब्लम है। इन दोनों में पुरानी समस्या कौन सी है? पुरानी समस्या मेरे को थायराइड बहुत पहले से है और स्किन एलर्जी भी थोड़ा हो रहा है। जी, तो हमें यह बात समझनी है कि जो हमारी पुरानी समस्या होती है वही जब कंट्रोल नहीं हो तो दूसरी समस्या बनती है। तो अगर हम थायराइड को ठीक से ठीक करेंगे तो हमारी स्किन की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। और थायराइड की प्रॉब्लम का एक बड़ा कारण होता है कि अपने बातों को ठीक से नहीं बोलना। जहां पर बोलने की जरूरत है वहां पर हिचकिचाना और सोचते रह जाना कि मैं बोलूं कि ना बोलूं और फिर ठीक से नहीं बोलना। तो हमें अपने बोलने को अच्छा करना है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और थायराइड के पास जो है ये विशुद्धि चक्र ये 5वां चक्र है। अगर हमारे विशुद्धि चक्र थायराइड चक्र अच्छा हो तो हमारी थायराइड की समस्या ठीक हो जाएगी और थायराइड की समस्या ठीक होगी तो स्किन की समस्या भी ठीक हो जाएगी। तो अपने बोलने पर थोड़ा सजग हो, जहां बोलने का भाव आए वहां पे जरूर बोला करें। और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अपने सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए आपको यू कैन हील योर लाइफ पुस्तक पढ़नी है। यू कैन हील योर लाइफ पर परिवर्तन के नाम से 15 वीडियो की श्रृंखला बनी हुई है। आपको उसे सभी एक एक करके सभी देखने हैं और उसमें आपको मिरर वर्क का जिक्र आएगा। मिरर वर्क आईने के सामने खड़े होकर अफर्मेशंस बोलना। तो मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, ये एक अफर्मेशन है। मैं अपनी बातों को ठीक से रखती हूँ, मैं बोलने में अच्छी हूँ, आई एम गुड कम्युनिकेटर, आई एम गुड इन एक्सप्रेशन। जो मैं कहना चाहती हूँ मैं वो आराम से कहती हूँ। तो इस तरह के अफर्मेशन करने से, आईने के सामने खड़े होकर बोलने से ये थायराइड को ठीक करने में हील करता है। और थायराइड पे तो कई बार बात हो चुकी है, 1-1 घंटे के एपिसोड हमने बनाए हैं थायराइड पे। तो अगर आप पुराने यूट्यूब पे वीडियो जाकर देख सकें तो पूरा 1 घंटे का कंटेंट आपको मिलेगा। तो अपने मन पे काम करें और विशुद्धि चक्रा मेकस में जब हम बैठते हैं हमारी एनर्जी उतरती है तो हमारा विशुद्धि चक्र जो है वो हील होता है। तो मेकस में बैठने से पहले आप अपने हाथ को विशुद्धि अपने गले पर रखें, थायराइड पर रखें, यहाँ पे थायराइड होता है बटरफ्लाई की शेप का, और इसमें भाव करें कि मेरे मेडिटेशन में एनर्जी आए जिससे मेरा थायराइड और जिससे मेरा विशुद्धि चक्र हील हो जाए। ये इंटेंशन रखकर, ये भाव रखकर फिर आप ध्यान करने के लिए बैठिए, है ना। और ध्यान के बाद में भी आप अपने ध्यान में हमारे अंदर एनर्जी जमा हो जाती है, हमारे हाथों में एनर्जी आ जाती है। तो हम उसके बाद अपने थायराइड का मसाज कर लिया करें, अप एंड डाउन आगे पीछे। तो ये जो है थायराइड पे जब अटेंशन बढ़ेगा, जहां पे भी हमारा अटेंशन बढ़ता है वहां पे एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। तो जब अटेंशन बढ़ेगा, एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा तो हीलिंग शुरू हो जाएगी ना। तो इस तरह से थायराइड को ठीक किया जा सकता है। थायराइड ठीक हो जाए तो स्किन भी ठीक हो जाएगी। जी तो शिवांगी जी, सर ने जैसे आपको बताया कि जो नई बीमारी है वो हमारी पुरानी बीमारी के कारण ही होती है। तो सबसे पहले आपको थायराइड ठीक करना है, उसके बाद स्किन भी आपकी ठीक हो जाएगी। सर ने यहाँ पे आपको जैसे बताया है कि ध्यान कैसे करना है विशुद्धि चक्र को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही सर ने आप यू कैन हील योर लाइफ की बुक आपको रिकमेंड करी है।
परिवर्तन के सीजन आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पे आपको परिवर्तन की सीरीज मिलेगी, वो आप देखें। और साथ ही सर ने जो चीजें बताई हैं उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो अफर्मेशन है उनको प्रयोग में लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अब ये दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। रुक्मणी राजस्थान से। रुक्मणी जी पूछिए अपना सवाल। ये मेरे बाएं पैर में आधा पैर है ना, जैसे अंगुली से लेकर एड़ी तक आधा पैर सूनापन है। जी ठीक है, जिस पैर में सूनापन है उस पैर की उंगली को आपको मसाज करना है, खासकर उसके टिप्स को। और उंगली के टिप्स को मसाज करते हुए उंगली के टिप्स पे, पैर में तकलीफ है, पैर की उंगली के टिप्स पे आपको ऐसे लाल रंग लगाने हैं। देखिए मैं हाथ पे लगा रहा हूं बस बताने के लिए, आपको लगाना हाथ पे है, पैर पे है, सभी पांचों उंगलियों के टिप्स पे आप लाल रंग लगाए। ये लाल रंग जो है दिन के समय लगभग 6 घंटे के लिए होने चाहिए। तो ये कलर थेरेपी, उंगलियों का मसाज और कलर थेरेपी आपको हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ आपको धूप में अपने पैर को धूप में रखकर ध्यान में बैठना चाहिए, पैर पर धूप लगे। धूप में लगने से सूर्य प्रकाश में सूर्य प्राण होता है, प्राण ऊर्जा से ही हमारा शरीर चलता है। जो हम भोजन करते हैं उसमें अपनी एनर्जी नहीं होती, सूरज की एनर्जी और पृथ्वी की एनर्जी को ये स्टोर करता है। तो सूरज की एनर्जी को हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं सूर्य प्रकाश में बैठकर, अगर हम ध्यान करें तो। तो आपको 15-15 मिनट के लिए सूर्य प्रकाश में बैठना चाहिए सुबह शाम और ध्यान करना चाहिए, उससे आपको जो पैरों में एनर्जी मिलेगी और जो सुन्नपन है वो दूर होगा। 3 चीजें एक्यूप्रेशर, ब्लड थेरेपी और सूर्य प्राण, इनके करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी तो जैसा कि सर ने यहाँ पे आपको बताया कि आपको एक्यूप्रेशर पे काम करना है, कलर थेरेपी सर ने आपको यहाँ बताई है उससे काम करना है, और सूर्य प्रकाश में आपको ध्यान करना है, क्योंकि जितनी ऊर्जा आपको पैरों में मिलेगी उतना ही आपका जो सूनापन की समस्या है वो दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। दर्शकों मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो भी दर्शक हमारे साथ ध्यान में जुड़ते हैं, जो नए नए ध्यान की यात्रा में आते हैं, वो हमारे पीएनसी हिंदी चैनल के सैटेलाइट चैनल के माध्यम से भी ध्यान कर सकते हैं। हमारे चैनल पे डेली बहुत सारे समय पर ध्यान कराया जाता है, और इसका जो यूट्यूब लिंक है 24/7 का, आप उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही स्पेशल यानी कि विशेष दिनों पर भी ध्यान कराया जाता है, जिसमें से 2 दिन जो है हमारे विशेष माने जाते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा। पूर्णिमा का समय मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ रात्रि 9 से 12 बजे, और अमावस्या ध्यान का समय है रात्रि 10 से 11 बजे। तो आप इन दोनों दिन ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या पे ध्यान करने से जो आपकी ऊर्जा है वो और अधिक बढ़ जाती है। तो सर अगले दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैम, मैं गीता जग्या सोनीपत से। गीता जी पूछिए अपना सवाल। मैम मेरे को मेरी काफ में जो है ना ब्लड क्लॉट्स है, मतलब उसमें पेन होती है, ब्लड का सप्लाई नहीं होती, ज्यादा देर खड़े रहती हूँ पेन होता है, एक ही मैं राइट काफ में। तो एक गैंग्लियन सिस्ट भी थी मेरी नी में, वो तो डिजोल्व होगी। एक्चुअली मैं मैग्नेट थेरेपी ले रही हूँ, ये मिलेट खा रही हूँ, मतलब 3 महीनों से, और ये सब चीजें कर रही हूँ, बॉडी डिटॉक्स कर रही हूँ और मेडिटेशन भी कर रही हूँ। जो आपका ये रूम पे अभी आ रहा है ना 21 डेज का, तो मेरा ध्यान भी लग रहा है उसमें कई बार। तो मेरे को काफ की पेन के लिए बता दो, उसमें ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही, छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स भी हैं उसमें। जी देखिए, जो हमारे काफ मसल की ये क्लॉट की समस्या है, क्लॉट को डिजॉल्व करने के लिए हमें वहां पर मसाज करना है। जो हमारे पैर में पैर के काफ मसल्स हैं, अपने काफ मसल्स का ध्यान में बैठने से पहले आप उनका 2 मिनट पहले मसाज करें, और ध्यान से बाहर आने के बाद फिर से काफ मसल्स का मसाज करें। काफ मसल के साथ साथ हम अपने पैर में अंगूठी के अलावा 4 उंगली होती है, तो बीच जो 2 उंगली है हम उनका मसाज करें। तो मसाज करने से चीजें जो है वो ब्लड फ्लो बढ़ेगा और वो बेहतर होगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पैर में एंकल से 4 अंगुल ऊपर होता है। SP6 स्प्लीन 6 आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों पैरों में, जिस पैर में तकलीफ ज्यादा है उस पैर में ज्यादा, लेकिन चूंकि नाड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है तो दोनों पैर में करना है। SP6 को आपको मसाज करना है 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार, और यहाँ पर आप हल्दी भी लगा सकते हैं। हल्दी दिन में 6 घंटे के लिए लगाई जाती है, जिस दिन संभव है उस दिन 6 घंटे के लिए लगाइए।
हल्दी का पेस्ट पानी में घोलकर हल्दी को, तो एस्पेसिस को मसाज करने से और ध्यान में बैठने अपने लकाफ मसल्स को पहले और आगे पीछे मसाज करने से आपको ठीक होगा। और आप एक और पॉइंट कर सकते हैं, हमारी कलाई पर ST7 छोटी उंगली के लाइन में गढ़ पे ST7 नाम का हार्ट 7 नाम का एक्टिव पॉइंट है, इसको आपको दो दो मिनट की देर में 5 बार दबाना है। ये हमारे पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो को अच्छा करता है, तो इस एक्टिव पॉइंट को दबाएं। 2 मिनट दबाने के बाद आप यहाँ पे लाल रंग लगा सकते हैं, रेड कलर थेरेपी। लाल रंग लगाने से जहां भी हम लाल रंग लगाते हैं वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ने लग जाता है। ST7 पे आप लगाएं और पैर में उंगलियों के टिप्स पे, जिस पैर में तकलीफ है उस पैर में 5 उंगलियों के टिप्स पे आप लाल रंग लगाएं, तो इससे ब्लड फ्लो बढ़ेगा। इन सभी का प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। जी, तो गीता जी यहाँ पे सर ने आपको जितनी चीजें बताई हैं उन्हें आप फॉलो करें। एक्यूप्रेशर पॉइंट सर ने बताए, कलर थेरेपी आपको सर ने बताई है, और जो भी चीजें सर ने आपको बताई है उन चीजों का प्रयोग करें, आपकी जो समस्या है वो जल्द ही दूर होगी। धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार, दिल्ली से बोल रहे हैं, ओम बीजी देवी। पूछिए अपना सवाल उम्मति जी। जी डॉक्टर साहब, मैं आल्टी पाल्टी लगा के नहीं बैठ सकती ना, और मेरे को थायराइड भी है और ये क्या नाम कोलेस्ट्रॉल भी है। जी, आल्टी पाल्टी अगर हम नहीं बैठ सकते हैं तो हमें योगा करना चाहिए। हमारा प्रोग्राम आ रहा है योग है जीवन, आप उस प्रोग्राम को देखते हुए योग करना शुरू कीजिए। अपने हाथ और पैर को जब हम आगे पीछे चलाएंगे, और योग का अभ्यास करने में पैरों के योग का अभ्यास ज्यादा करना है, जैसे बटरफ्लाई होता है, हमें बटरफ्लाई सुबह शाम करना है। बटरफ्लाई करेंगे, पैरों का सूक्ष्म व्यायाम जिसमें हम उंगलियों को मोड़ते हैं वो करेंगे, इससे हमारे पैर जो है वो खुल जाएंगे और हम आलती पालती बैठ कर बैठ सकते हैं। और आप ऐसा मत देखिए कि हम एक बार में ही ज्यादा बैठे, अगर हम 5 मिनट भी बैठ सकते हैं तो 5 मिनट बैठे। जब हम थोड़ा थोड़ा बैठेंगे तो धीरे धीरे हमारी बैठने की कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये आपको करना है बैठने के लिए, बटरफ्लाई और पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। और जो थायराइड की बात हुई, थायराइड का सवाल पहले आया था, अगर आपने उसे सुना हो तो हमने उसमें अपने थायराइड का मसाज करने के लिए बताया है, ध्यान से पहले और ध्यान के बाद में। और थायराइड जो है वो हमारे बोलने के भाव से निर्भर कनेक्टेड है, अगर हम अपनी बातों को दबा जाते हैं तो थायराइड होता है। जब भी कभी कहीं पर परिवार में, कहीं भी सोसाइटी में बोलने का कुछ मन करता है, आपको अपनी बातों को जरूर रखना चाहिए। जब आप अपनी बातों को रखते हैं, अपने 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 मन की बातों को बोलते हैं, अगर हमारा बोलना, कम्युनिकेशन, बोलने का तरीका अगर ठीक है तो थायराइड की समस्या जो है वो नहीं होती है, होती है जल्दी ठीक हो जाती है। और कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको अपने भोजन में तेल का प्रयोग कम करना चाहिए। तेल जो है वो प्रकृति में बीजों के रूप में होता है, लेकिन हम इंसानों ने उसको तेल को अलग निकाल कर अलग लेना शुरू कर दिया है। तो जो भी हम भोजन बनाते हैं उसमें हम ऑयल का कम प्रयोग करना सीखें। और बहुत सारे वर्कशॉप हो रहे हैं ऑयल फ्री कुकिंग सिखाया जा रहा है, यूट्यूब पे भी कई सारे वीडियो मिलेंगे, अगर हम वो सीख सके तो हम ऑयल का कम प्रयोग करते हुए या बिना ऑयल का खाना अगर हम बनाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो तो ठीक हो ही जाएगा। जी, तो ओमवती जी, जैसा सर ने आपको बताया कि आप जो योगासन सर ने आपको यहाँ बताया, आप उसे अपने जीवन में अपनाएं। योगा के माध्यम से आपका शरीर जो है वो फिट रहता है, और साथ ही सर ने यहाँ पे आपको बताया कोलेस्ट्रॉल के लिए ऑयल फ्री खाना आपको खाना है, और थायराइड के लिए जो सर ने ध्यान का बताया आपको, विशुद्धि चक्र पे काम करते हुए आपको ध्यान करना है, और साथ ही पीएमसी हिंदी हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाएंगे तो वहां पे भी आपको थायराइड की वीडियो मिल जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। आपकी ये समस्याएं जो भी हैं वो जल्द ही दूर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़ते हैं, जिन्हें हमारे YouTube चैनल्स के बारे में नहीं पता है, मैं अपने YouTube चैनल्स के नाम आपको यहां बता रही हूं, पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ और पीएमसी हिंदी क्लिप्स। ये 4 YouTube चैनल हैं हमारे, आप इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कई सारी वीडियो मिलेंगी जिनके माध्यम से आपको कई सारा ज्ञान भी प्राप्त होगा। सर अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हाँ मेरा क्वेश्चन तो बाकी है। जी जी मैम, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरे चेहरे पे पिगमेंटेशन है। जी, इसके लिए बात कर रही हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं मैम? हम बांसवाड़ा से। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा जी, सीमा जी, स्किन पिगमेंटेशन के लिए आपको अपने भोजन में बदलाव करना है और मिलेट्स खाना शुरू करना है।
जब हम मिल्क खाएंगे, गेहूं चावल को बंद करेंगे, तो ये हमारे तकलीफ को ठीक करेगा। मिलेट्स जो है वो हमारे पेट में माइक्रोबायोम को ठीक करता है। गेहूं और चावल जो है वो हमारे शरीर में हमारे इंटरनल सिस्टम को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, और जो फाइव मिलेट्स हैं वो माइक्रोबायोम को ठीक करते हैं। माइक्रोबायोम ठीक हो जाए तो हमारा स्किन जो है वो ठीक होने लग जाएगा। थोड़ा समय लगता है, आपको 3 महीने से 6 महीने मिलेट्स का प्रयोग करना चाहिए, खासकर इसकी अम्ली। जो मिलेट्स को हम कई तरीके से खा सकते हैं, जो अम्ली होती है जिसको खमीर भी बोलते हैं, वो सबसे अच्छा होता है खाने के लिए। उसको बनाने का तरीका सीखिए और वो खाना शुरू कीजिए। और उसके अलावा आप एक्यूप्रेशर पॉइंट कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट में मैं आपको ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रहा हूँ। हमारी जो आंखें हैं, आंखों की चौड़ाई से जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट से नीचे हमारे यहाँ इस कोन के जो लोअर पॉइंट है, ये ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इस ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को ऐसे अप डाउन, या तो एक हाथ से या दो हाथ से ऐसे अप डाउन मसाज करना है। ये मसाज 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार करना है। तो ST3 स्टमक 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करने से जो है ये हमारे स्किन के रीजन में, हमारे फेस के रीजन में ब्लड फ्लो को, एनर्जी फ्लो को बेहतर करता है। तो ये पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्प करेगा। लेकिन ज्यादा जरूरी है कि हमारे पेट को ठीक करना, इंटरनल ठीक करना, जिसके लिए आपको 5 मिनट्स खाना है। और ध्यान करते रहिए और खुद से प्यार करना सीखिए। खुद से प्यार करेंगे तभी हमारी स्किन ठीक रहेगी। खुद से प्यार करने से ही हमारा सब ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहता है। तो मिलेट्स खाएं, सेल्फ लव करें और ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट करें। जी, तो जैसा कि सर ने यहाँ पे आपको बताया कि सबसे पहले तो आपको अपने खान पान में चेंजेस करने हैं। सीमा जी, मिलेट्स आप अपने खान पान में प्रयोग में लाएं, साथ ही जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स सर ने यहाँ पे आपको बताया वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे ध्यान दें। ध्यान आपको अपने जीवन में शुरू करना है, ध्यान को अपनाना है और सेल्फ लव आपको करना है। पॉजिटिव अफर्मेशंस का प्रयोग करें जितना ज्यादा हो सके, आपकी ये समस्या खुद ब खुद दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर, समय का अभाव है, लेकिन जाते जाते जाऊंगी कि आज हमारे दर्शकों के लिए आप समर के ऊपर कुछ टिप्स दें। समर के लिए जो मैंने ब्रीदिंग का तरीका बताया था एक मरीज को, तो ये सभी लोगों के लिए करना चाहिए कि हम नाक से गहरी सांस लें और मुंह से हिस्सा सांस छोड़ें। ये हमें रिलैक्सेशन देता है। अगर हम रिलैक्सेशन वाली ये सांसों की प्रक्रिया करते रहेंगे तो हम हमेशा शांत रहेंगे। हमारी बॉडी का टेम्परेचर इससे थोड़ा सा कम हो जाता है, तो गर्मी का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। और हमें पर्याप्त मात्रा में पानी और जूस इसका सेवन करना चाहिए। सलाद पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। तो बाहर हम कम निकला करें, और निकले तो हम सूती कपड़ों में, हल्के रंग के कपड़ों में निकले। और जब हम बाहर से आते हैं तो हम अपने पैर के को पानी में डिप कर सकते हैं, वो हमारी हीट को बहुत जल्दी खींच लेता है। और हम स्नान भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी देर रुक के स्नान करना चाहिए। गर्मियों में 2 बार स्नान करना बेहतर माना जाता है। तो इन सभी चीजों का प्रयोग करते हुए हम गर्मी में अच्छे से हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। जी सर, इसी के साथ कार्यक्रम को विराम देने का भी वक्त हो चला है। तो कार्यक्रम में आने के लिए, इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम हम हर शुक्रवार 5 से 6 बजे आपके लिए लेकर आते हैं। तो हम अगले हफ्ते आपसे 5 से 6 फिर से मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो आप हमें यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सोशल मीडिया, जो अन्य प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, उन पर फॉलो करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार। बदले जीवन।